हेलो दोस्तों, बार्कलेज के अंदर वैकेंसी आई है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, सीपीएससी एफए एसीसीए के लिए। ये वैकेंसी हम डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में। इसको फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी का डायरेक्ट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे पहुंच सकते हैं। बट उससे पहले आप जान लीजिए कि इस वैकेंसी की रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब फंक्शन क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो इसी तरह के और इससे बेहतर वैकेंसी आपको चैनल पे मिलती रहे। ये वैकेंसी है बाकले में, जॉब लोकेशन जो है वो दिल्ली है इसकी, राइट। दिल्ली का मतलब है कि नोएडा में ऑफिस है इनका, तो जॉब लोकेशन नोएडा होगी इनकी। 26 मई को ये वैकेंसी आई है, यानी कि ये बहुत ही लेटेस्ट वैकेंसी है। फाइनेंस के अंदर ये वैकेंसी है और फाइनेंस कंट्रोल की एनालिस्ट की ये पोजिशन है, राइट। अब इसके अंदर क्या क्या करना होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या है, वो यहाँ पे सारा मेंशन है। तो अकॉर्डिंगली आप जॉब डिस्क्रिप्शन रीड कर लीजिएगा, सो दैट अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है तो अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन आप अपने आप को प्रिपेयर कर सके। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो चार्टेड अकाउंटेंट सीपीए सीएफए और एसीसीए कोई भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस की यहाँ पे कोई भी मैंडेटरी बात नहीं की गई है, यहाँ पे केवल ये बोला गया कि प्रेफरेंस दिया जाएगा जिस कैंडिडेट को प्रायर एक्सपीरियंस है यूएस गैप और आईएफआरएस में। मैंडेटरी कोई बात नहीं कही है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीपीएस सीएफए एसीसी हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और अप्लाई करने के लिए इस पेज पे आने के बाद आपको ये अप्लाई फॉर जॉब का बटन है, इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा एक फॉर्म जो है वो भरना होगा और ऑनलाइन अप्लाई इसको करना होगा। और इसी तरह की वैकेंसी के लिए आप जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा लोगों के साथ ताकि उनका भी भला हो सके। आप सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।